नहीं, एक बार और पूरे देश में एक नया प्रयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है और इसको हमने बोला है ECMS, इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट सॉल्यूशन। विश्व के कई देशों में इसका प्रयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार की इमरजेंसीज को, आपातकाल की परिस्थितियों का को संभालने के लिए। जैसे इसमें जो 6 दिन का ये कोर्स था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से हम लोगों ने इसको किया है। 2 तरह से होगा, 6-6 दिन के कोर्स होंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से जो हमारे पुरुष अस्पताल हैं, मेल हॉस्पिटल्स, उनसे एक एक डॉक्टर बुलाए गए थे और इनका 6 दिन का यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है। अब इसके बाद दिसंबर में हम जो महिला अस्पताल हैं उनकी डॉक्टर्स को बुलाएंगे 75 जनपदों से और उनका भी इसी प्रकार का ट्रेनिंग होगा। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हुई है, काफ़ी विस्तृत हुई है और इसका मुख्य कारण ये है कि अक्सर ये होता है कि मान लीजिए आप कहीं पर दुर्घटना हो जाए अथवा आपातकाल आ जाए, कहीं खनन हो जाए या भूकंप आ जाए या बाढ़ से लोग डूब जाएं, तो क्राइसिस मैनेजमेंट होता है उसमें। उसके अलावा जो सामान्य परिस्थितियाँ होती हैं, जो संकट आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल इमरजेंसी या क्रिटिकल इमरजेंसी है, किसी को एकदम से हार्ट अटैक हो गया घर पे या सड़क पर या कहीं और, तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ, या मान लीजिए महिला है उसकी कोई ऐसी दिक्कत आ गई जिसको तत्काल एड्रेस करने की आवश्यकता है, या बच्चे हैं उनके साथ कुछ ऐसा हो गया है जो कि तत्काल उसको आवश्यकता है देखभाल की, तो एक क्राइसिस की सिचुएशन में कैसे डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए कि लोगों के जीवन बचे और अगर बचे भी तो क्वालिटी जीवन हो। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो कभी कभी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और उसके टूटने से स्पाइनल कॉर्ड हिट होता है, और अगर उसको ठीक से उस समय संभाला जाए या तत्काल इमरजेंसी दी जाए तो उसका जीवन बच जाता है। इसी तरह से ब्रेन, हेड इंजरी होती है, सर में चोट आती है, या मान लीजिए चोट नहीं भी आई, घर में थ्रोम्बोसिस होता है, आपको ब्रेन हैमरेज हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है, इस तरह की जो परिस्थितियाँ होती हैं उनमें जब वो लाया जाता है अस्पताल में तो क्या किया जाना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग हो रही है और बहुत ही प्रसन्न है सभी डॉक्टर्स। ये मान रहे हैं कि इस प्रशिक्षण के बाद उनकी जानकारी और उनकी जो योग्यता है उसमें निश्चित रूप से इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। तो ये एक प्रथम प्रयास है और ये सफल दिख रहा है। अब इसका कैसे एप्लीकेशन हो और इसके बाद जो सुझाव आया है चिकित्सकों की ओर से कि इसको नीचे तक जाना चाहिए, वो ट्रेन हो, उनके साथ जो टीम में डॉक्टर्स होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो, जो टेक्नीशियंस होते हैं तकनीकी साथी उनकी ट्रेनिंग हो, और जो CHC और PHC पे हमारे लोग हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो, तो ये होगी, इसको करेंगे। मैं तो और दूर तक जाने की सोच रही हूँ कि 102 और 108 जो हमारी सेवाएं हैं उनमें जो लोग जाते हैं उनको भी इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से ये एक नया हम लोगों ने प्रयोग भारत के में शुरू किया है और निश्चित रूप से इसका अच्छा असर आने वाले 1 वर्ष में दिखाई देना चाहिए। इसके कितने डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? 70 जनपद से, हर जनपद से एक एक डॉक्टर बुलाए गए हैं। अभी प्रथम चरण पूर्ण हो जाए, इसके बाद हम द्वितीय चरण पर विचार करेंगे, क्योंकि जो इनके सजेशंस आए हैं उसी के आधार पर हम भविष्य के जो मॉड्यूल्स हैं उनको निर्धारित करेंगे, उनको तय करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है 75 जनपद, 75 डॉक्टर्स मेल पुरुष आए हैं, और इसके बाद हम फीमेल हॉस्पिटल, जो महिला अस्पताल हैं, जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, पेडियाट्रिशियंस हैं, उनको भी बुलाकर ट्रेन करेंगे ताकि अगर बच्चों और महिलाओं को क्राइसिस आए तो उसको कैसे ठीक किया जाए। इसके बाद अभी हुआ तो नहीं।